अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मोस्टली लोगों की यही रूटीन होती है, ब्रश करना, फेस वॉश करना, फिर कपड़े चेंज करना और उसके बाद कॉम करना। मैं भी कुछ इसी तरह से कर रही हूँ। और आज मुझे जाना है कराची से बाहर ठट्टा पे, तो इस वजह से मैं ट्रेन का सफ़र करूँगी। तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। पहले मैंने स्प्रे लगा लिया, उसके बाद मिस्ट लगा रही हूँ अपने फेस पे। साइड गनी का मैं यूज़ करती हूँ टोनर, और वो बहुत अच्छा होता है। उसे फेस पे लगाने के बाद अच्छे से उसे डैप डैप कर लें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, फेयर एंड लवली का मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा है, मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है, तो इस वजह से मैं इतनी क्वांटिटी में लूँगी और अपने फेस पे अच्छे से हल्का सा हल्के डैप डैप से मसाज कर लूँगी। आपने ज़ोर ज़ोर से मसाज नहीं करना। और उसके बाद बाहर जा रही हूँ, तो उसके लिए सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक आप घर में भी लगाएं, सुबह में उठ के ही सन ब्लॉक लगाना स्टार्ट कर दिया करें। उससे आपके फेस पे ग्लो भी आती है। और बिल्कुल कम क्वांटिटी में सन ब्लॉक लें और उसे फेस पे लगा लें। अब मैं कुछ बाहर जा रही हूँ तो मेकअप कर लेते हैं थोड़ा सा। ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही मैं, क्योंकि फेस ख़राब हो जाता है, एक्नी हो जाती है मेरे फेस पे, तो कम यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ब्लश ऑन लगा लूँगी, तो लाइट सा ब्लश ऑन लगाने के बाद मैं लाइट सी लिपस्टिक लगा लूँगी, तो फिर मेरा मेकअप डन हो जाएगा। मैंने कुछ इतना ज़्यादा मेकअप किया भी नहीं है, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होने वाला है। आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाली हूँ, और क्योंकि मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठी हूँ, क्योंकि गाड़ी यहाँ से सुबह सुबह जाती है ट्रेन, तो इस वजह से मैं सुबह उठी हूँ। और सुबह उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और आज मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होने वाली हूँ। सोच सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। A few moments later. अच्छा, तो जी मैं सिटी स्टेशन आ गई हूँ, क्योंकि मेरा घर सिटी स्टेशन से करीब है, तो इस वजह से मैंने चॉइस किया कि मैं सिटी स्टेशन से ही गाड़ी में बैठूंगी। और क्योंकि अभी ट्रेन्स भी ज़्यादा बंद हुई हुई हैं, कोई भी इतनी सैलाब की वजह से नहीं जा रही, तो ये कुछ एक ही स्टेशन था और ये एक ही ट्रेन थी जो चल रही थी। आई थिंक सिर्फ दो ट्रेनें चल रही हैं और कोई भी ट्रेन नहीं चल रही, तो मैंने सोचा कि चलें फिर सुबह सुबह उठ जाते हैं। और सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमें हर काम सुबह में ही करना चाहिए। तो ये कुछ सिटी स्टेशन इस तरीके का लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल खाली है। अगर सारी गाड़ियाँ चल रही होती तो ये बिल्कुल भरा हुआ होता। अच्छा, तो हम मलीर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि मलीर में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं और ये धुआं निकल रहा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने कहा कि चले मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। अब हम ट्रेन से उतर गए हैं धाबेची, क्योंकि ट्रेन आगे नहीं जाती, ठट्टा की तरफ नहीं जाती, क्योंकि वो वहीं पर ही सैलाब का प्रॉब्लम हुआ हुआ है। तो इस वजह से हम धाबेची उतर गए, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, क्लाउडी मौसम हो रहा था। और अगर आप जानते हैं तो ये मैं सुपर हाईवे की तरफ आई हूँ, जिसे नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे कहते हैं, वहाँ पर मैं आई हूँ। तो वहाँ से अब हम लोग बहुत दूर था वहाँ से, और हम लोग यहाँ पर नादरा के ऑफिस आ गए हैं। मैंने सोचा नहीं था कि काम इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम हो चुका है। मेरे प्यारे शहर ठट्टा की मछली बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत ही ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोग अगर कराची में रहें तो वो कोई बदबूदार निकल आती है, कोई अजीब ही निकल आती है, तो वो हम लेना पसंद नहीं करते। तो जब भी हमें ठट्टा आना होता है, हम यहाँ पर मछली ज़रूर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मछली होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मैं और वीडियोस लाती रहूँगी, कुकिंग वीडियोस भी। अल्लाह हाफिज़।